मैंने माननीय मोदी जी की रैली में कहा था, खा गए गल्ला पी गए तेल, ये देखो समाजवादी पार्टी का खेल। और पिछली सरकार से जनता इतना प्रताड़ित रही कि आप शाम को 6 बजे या 5 बजे के बाद कोई भी किसान खेत पे जाने से डरता था। और हमारे पिताजी श्री भगवान सिंह साहब का जीवन बहुत संघर्ष में रहा है। उन्होंने अपनी जनता के लिए अपने आप कुर्बान किया। अपराध की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि समाजवादी पार्टी में छोटा सा अदना सा नेता थाने में जाकर थानेदार को गुलाम बनाकर बात करने की प्रयास करता था कि ये न भ्रष्टाचार न गुंडा राज, अब की बार भाजपा सरकार। उसके तहत आज हमारी जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति दर्शन पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं शेखुपुर बदायूं के विधायक माननीय श्री धर्मेंद्र सिंह साकेत जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले सर हम आपसे जानना चाहेंगे, शेखुपुर के आप विधायक हैं सर, इस क्षेत्र को समाजवादी पार्टी का क्षेत्र माना जाता है, समाजवादी का गढ़ माना जाता है, तो सर इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जीत के ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? कि जनपद बदायूं में दोनों सरकारों की होने के बावजूद अति पिछड़े जिले में गिनती की इस बदायूं जनपद की मानी जाती है। और जब 2007 में बसपा की सरकार कुल बहुमत से बनाई, उसके बाद 2012 की सरकार समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में कुल बहुमत की सरकार बनी, बनने के बाद समाजवादी सरकार इस जनपद बदायूं में बोलबाला रहा, क्योंकि समाजवादी पार्टी जनपद बदायूं, मैनपुरी, एटा, इटावा, इसको अपना गढ़ मानती है। उस गढ़ होने के बाद भी हमारी 6 में से 5 विधानसभा और काफ़ी अच्छे अंतर से सारे हमारे सम्मानित विधायकों को जिताने का काम किया। और पिछली सरकार से जनता इतना प्रताड़ित रही कि आप शाम को 6 बजे या 5 बजे के बाद कोई भी किसान खेत पे जाने से डरता था। कोई अपने सिंचाई का साधन अगर खेत पे पड़ा है तो सुबह सोचता था ये रात को मिलेगा या नहीं मिलेगा। थाने के अंदर और उस क्षेत्र में अपराध की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि समाजवादी पार्टी में छोटा सा अदना सा नेता थाने में जाकर थानेदार को गुलाम बनाकर बात करने की प्रयास करता था कि ये तो हमारी सरकार, हम गुलाम हैं, ये हमारा क्या बिगाड़ेगा। और कोई भी क्राइम होता था तो क्राइम उसको ओपन नहीं होते थे। और मैं तो खुद देखा है, MLC का चुनाव हुआ था अभी समाजवादी सरकार में, हमारे प्रत्याशी जितेंद्र यादव MLC रहे, वो प्रत्याशी रहे भारतीय जनता पार्टी के। मैं कादर चौक, मुझे शिकायत मिली, एक यहाँ बैठे थे अभी वीरेंद्र राजपूत, इनका नाम हमने नामित किया था कि आप एजेंट बनेंगे, और इनको एजेंट नहीं बनने दिया। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो समाजवादी पार्टी के विधायक और उनके तमाम गुंडे वहाँ इकट्ठे होकर वहाँ धांधली करने का प्रयास कर रहे थे। तो मैंने वहाँ पीटा सिंह अधिकारी से कहा, मैं इसका प्रत्याशी ने जब वो दिया है लिख के किसको एजेंट बनाया जाए, तो मैं एजेंट क्यों नहीं बना रहे। बोले साहब ये तो दस्तखत इसके गलत हैं और ये प्रत्याशी की दस्तखत नहीं है, जबकि मैं खुद मौजूद था, मैं खुद कह रहा था। इतने में मैं वहाँ जाता हूँ, मुझको पुलिस उठा के ले जाती है समाजवादी सरकार, और कोई आरोप ना सिद्ध होने पे मुझे छोड़ भी दिया जाता है। इतने में प्रत्याशी वहाँ पहुँचते हैं और प्रत्याशी के पहुँचने के बाद उनको एजेंट ना बने के मुझको एजेंट बनाया गया। मुझे मजबूरी में वहाँ एजेंट बनना पड़ा, और एजेंट बनने मुझे बनाकर जब वो गए जितेंद्र यादव जी, तो उसके बाद समाजवादी पार्टी के गुंडे ने और वहाँ के लोग समर्थकों ने समाजवादी के लिए उन्होंने अभद्र व्यवहार माननीय प्रत्याशी हमारे प्रत्याशी के साथ किया। अब वहाँ खूब बदतमीजी करी गई,
कैसे अपनी जान बचा के वहाँ से निकले, और इतना भयभीत कर रखा था वोटर्स को कि वो मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं रख रहा था कि साहब मैं अगर वोट नहीं दूंगा तो ये हमको बंद करा देंगे, पिटवा देंगे, कुछ करेंगे। ये आतंक का माहौल था, पूरे जिले की बात कर रहा हूँ। उस आतंक के भय से हमारी भारतीय जनता की पर सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है, और इस सरकार में जो हमने नारा दिया था न भ्रष्टाचार न गुंडा राज, अब की बार भाजपा सरकार, उसके तहत आज हमारी जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। और रही बात विकास की, जो काम बरसों से अधूरे पड़े थे वो गांव-गांव विकास किए, हम अग्रसर हैं, और गांव-गांव में इतना विकास मेरे क्षेत्र में अब तक जब से सरकार बनी कम से कम 2-2.5 हजार करोड़ के काम हो गए। 2-2 हजार करोड़ के, ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहां 1000 करोड़ 1.5 हजार करोड़ का काम नहीं हुआ। हमने जहां आवास दिया हो, चाहे गांव-गांव बिजली पहुंचाने का काम हो, घर घर कनेक्शन देने का काम हो, चाहे गांव को सड़क से जोड़ने का काम हो, गांव के अंदर गलियों को सीसी बनवाने का काम हो, और चाहे शौचालय बनाने का काम हो, चाहे सम्मान निधि देने का काम हो, हमने हर वर्ग को उसकी व्यवस्था करने का हमारी सरकार ने, क्योंकि गरीब जब तक गरीब के चेहरे पर मुस्कान नहीं होगी जब तक हमारे प्रदेश और देश का भला नहीं हो सकता। और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि पंक्ति से पीछे खड़ा व्यक्ति जिसकी पैर में तब चप्पल नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है, और वो व्यक्ति को हम अगर उसके चेहरे पे अगर मुस्कान ला दें तो वाकई हम सोचेंगे हमने अपने आप पे विजय प्राप्त करी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस सरकार में जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास के मुद्दों पर काम होगा? आपको पता होना चाहिए 2019 में विकास पुरुष के नाम पे अपने आप को कहने वाले हमारे स्थानीय सांसद समाजवादी पार्टी के बदायूं की जनता ने नकार दिया। उनके दिमाग में था कि बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन में मुझे जाति समीकरण इकट्ठे करके अपने आप को जीतना सुनिश्चित करना चाहते थे, और ये सिर्फ जातवाद का जहर घोलना हम लोगों में आपस में मतभेद करने का काम सपा और बसपा करती रही है। ये जातियाँ राजनीति में नहीं होती हैं, जनता उसको वोट देती है जो हमारे काम आवे, हमारे काम करे, इस प्रदेश के भले के बारे में सोचे, देश के भले के बारे में सोचे। और ये दोनों प्राइवेट फर्म जो हैं इन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, और ये तो पूरा प्रदेश जानता है कि अखिलेश जी और माननीय मुलायम सिंह जी इन्होंने अपने आप को क्या किया है, और इस ज़िले में क्या होता रहा उस समय के लोग बता सकते हैं, मगर एक आम जनता को गरीब के लिए हमारे क्षेत्र में 3-3, 4-4 महीने राशन नहीं बंटता था। मैंने माननीय मोदी जी की रैली में कहा था खा गए गल्ला पी गए तेल, ये देखो समाजवादी पार्टी का खेल, तो उसमें बड़ा लोगों ने तालियां बजाई और कहा कि ये बात आप सही कह रहे हैं, बच्चे के बर्थडे के लिए 5-5 लाख रुपए लेके राशन की दुकान अटैच करा के खा जाते थे, गोदामों से परखी लगा के गायब कर दिया करते थे, कोई इनसे कहने वाला नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा कोई गांव नहीं है जो राशन से कोई भी गरीब व्यक्ति वंचित रहा हो जिसके पास राशन कार्ड। सर लेकिन इस क्षेत्र में क्राइम तो वैसे भी काफी हद तक बढ़ा हुआ था, ये बढ़ा हुआ है भी नहीं? अब तो क्राइम बहुत नीचे चला गया। अच्छा, उस समय क्राइम होता था मुकदमा नहीं लिखे जाते थे। सरकार बनते ही माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कोई भी पीड़ित अगर थाने पहुंचे तो उसका मुकदमा जरूर लिखा जाए, तो उसकी जांच की जाए, और जांच में अगर मुकदमा गलत है तो उसको ख़त्म किया जाए।
मगर मुकदमा जरूर लिखा जाता था। हमारी सरकार, पिछली सरकार में मुकदमे ही नहीं लगते, लिखे जाते थे, भगा दिया जाता था पीड़ित को। सर महिलाओं की सुरक्षा भी इस क्षेत्र में काफी हद तक सरकार नाकाम रही थी पिछली सरकार, तो इस सरकार से क्या उम्मीद की जाए? अब ऐसा है, कुछ लोग जो माननीय योगी जी ने कहा कि प्रदेश के अंदर कोई भी बदमाश, कोई भी गुंडा, कोई भी हिस्ट्री सीटर या तो देश प्रदेश छोड़ दे या जेल में चला जाए, तो उसी के तहत क्राइम कम करने का प्रयास किया गया। और कहीं छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, आपस में विवाद होता है, मेड़ का विवाद, खेत का विवाद या किसी और चीज़ का विवाद, ये तो चल रहा है। कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ है इस सरकार में, क्योंकि पिछले सरकारों में दंगे हुआ करते थे, धर्म के नाम पर दंगे हुआ करते थे और देश का माहौल भी बिगाड़ने का प्रयास किया था NRC में, मगर वो माहौल नहीं बिगाड़ पाए। उसका कारण था हमारा देश का मजबूत कानून, और कानून का नेतृत्व करने वाला अगर मजबूत होता है और तो नीचे के लोग डरे भी रहते हैं कि मैं अगर गलत करूंगा तो मैं बक्सा नहीं जाऊँगा। सही सर, आपके क्षेत्र में किसानों की स्थिति कैसी है इस समय? किसानों की स्थिति, क्योंकि हमारा देश और प्रदेश और हमारा जिला कृषि प्रधान देश है और कृषि के ऊपर ही हम लोग निर्भर हैं, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ तो खेती हम भी करते हैं। किसान की स्थिति, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मोदी जी ने कहा था कि किसान की आय दोगुनी हो, अब दोगुनी के उसमें हम पूरा प्रयासरत हैं और प्रयास कर रहे हैं। जहाँ भी कोशिश करी जाती है कि ऐसे विभाग बहुत से बने हुए थे जिनका कोई यूज नहीं था, और वैसे विभागों को लिखा पढ़ी में पिछली सरकारें नाम जरूर लेती थी, काम नहीं लेती थी। भारतीय जनता पार्टी जब से योगी जी सरकार बनी है, हमने उन विभागों से काम लिया है, उन लोगों को फ्री बैठने का, जबकि देश के वेतन, जनता का वेतन वो प्राप्त कर रहे थे और घर बैठे शाम को सुबह आए और चले गए। मगर हमारी सरकार ने गांव-गांव भेजने का काम किया, जाइए गांव और समस्याएं देखिए। मगर इस कोरोना संकट काल में जरूर सबको अपना जीवन सुरक्षित बना रहे, हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, उस हिसाब से काम नहीं हो पा रहे, मगर हाँ कहीं भी दिक्कत आती है तो हम उस चीज की समस्या का समाधान हम लोग करते हैं। सर आपका राजनीतिक सफर कैसा रहा है अभी तक का? मेरा राजनीतिक सफर बहुत संघर्षित रहा है जी। हम, मेरी विधानसभा जो है वहाँ आज तक भाजपा नहीं जीती जी, वो मुस्लिम और ज्यादा बाहुल्य क्षेत्र है शायद। मुस्लिम यादव और शाक्य मौर्य तो बराबर ही है, मुस्लिम लगभग 90,000 के ऊपर है और अन्य बिरादरियाँ काफ़ी हैं। और हमने तो इतिहास बदला है, जितनी लंबी जीत मेरी हुई इतिहास में इतना अंतर किसी का नहीं रहा, जितना वोट भाजपा को पार्लियामेंट में मिला मुझसे 8,000 ज़्यादा, मुझे 95,000 मिला, उनको 1,03,000 वोट मिला, तो अंतर बड़ा। 2.5 साल सरकार के बन चुके थे तो वोट घटा नहीं, जबकि सपा और बसपा मिलके लड़ी और मैं जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव यहाँ लड़ाते हैं बदायूं बदन, समाजवादी सरकार थी, सिर्फ उनकी बेईमान नीयत और गुंडागर्दी की वजह से हम वो चुनाव हार गए। हमारे वोटरों पे सरकार का
गुंडागर्दी और उसका दबाव डाला गया, पैसे का दबाव डाला गया, मैं 3 वोटों से को चुनाव हार गया। 3 वोटों से? उस समय 2 बार मैं जिला पंचायत मेंबर भी रहा, मेरी पत्नी मेंबर रही, महिला सीट हो गई थी तो मैंने कहा महिला सीट पत्नी को लड़ाया जाए। और हमारे पिताजी श्री भगवान सिंह साहब का जीवन बहुत संघर्ष में रहा है, उन्होंने अपनी जनता के लिए अपने आप को कुर्बान कर अपने आप को पूरी दिन रात पूरे जनपद में हम लोग जितनी भीड़ यहाँ रहती है शायद कोई रहता हो इतना समय हम लोग देते हैं, 24 घंटा में जनता के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं आप आगे भी बेहतर काम करेंगे और इस सरकार में किसानों की और जनता की समस्याओं का हल निकलेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।